जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए 5 बातें भाग्य बनाती हैं या भाग्य बनाता है। उससे पहले दोस्तों, ज्योतिष के बारे में सभी पॉजिटिव जानकारी, सटीक जानकारी और सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलती है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अपनी राय हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। पहली बात करना चाहता हूँ कि भाग्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले माँ बाप की इज्जत और माँ बाप की केयरिंग। माता पिता कैसे भी हों, लेकिन कभी भी किसी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो सबसे पहली बात है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता के प्रति पूर्ण वफादार रहें, क्योंकि इस दौर में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने माता पिता को संरक्षण नहीं प्रदान करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते और कई सारी बातें उभर कर आती है। तो अगर आपका भाग्य बनाना चाहते हैं या भाग्य को हमेशा पॉजिटिव फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो माता पिता की बहुत आपको इज्जत करनी होगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है महिलाओं की इज्जत। पुरुष हो या महिला, आप कोई भी संप्रदाय से हो या कोई भी जात हो, कोई भी पात हो, पुरुष हो, महिला हो, लिंग कोई सा भी हो, लेकिन महिलाओं की बहुत इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप अगर आधुनिक दौर में सुख सुविधाएं चाहते हैं, सभी तमाम चीज़ें, वो शुक्र के बिना कुछ नहीं होगा। और शुक्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इज्जत का मतलब ये नहीं कि औपचारिकता, मन और कर्म और वचन तीनों से पूरी निष्ठा के साथ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तीसरा है जो हमेशा भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपका रवैया, सकारात्मक रवैया। जब तक आपका सकारात्मक रवैया नहीं होगा, तब तक आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई बड़ा लाभ या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाएगी। तो कितना भी कॉम्पिटिशन हो, कितनी भी कुछ चीज़ हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, लेकिन आप अपनी सकारात्मकता को मत खोना नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी योजनाओं के लिए और आपके लक्ष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी। चौथी बात है जो हमेशा जीवन में भाग्य को परेशान करती है, भाग्य को अच्छी तरह से लाभ नहीं ले पाता, वो है तुलना और बेफिजूल की चिंता, एक अज्ञात भय। मन में जो एक अलग सा डर है, उस डर को आप निकाल दें। तुलना जो किसी व्यक्ति से आप करते हैं, वो तुलना करना बंद कर दें, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद देख सकते हैं, आप कहीं कोई की तुलना तो नहीं कर रहे, यार उनके पास तो ये है, हमारे पास ये नहीं, कई सारी तुलनाएं। दूसरा, एक अज्ञात भय। जब तक आप निडर नहीं होंगे, देखिए डर एक अलग विषय है और निडर एक अलग विषय है, ये बात दोनों क्लियर आपको मैं कर देना चाहता हूँ। इसलिए अभय रहें, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए आपके पास। निडर, अगर निडर होंगे तभी साहस उत्पन्न होगा, और साहस अगर उत्पन्न होगा तो साहसियों की मदद ईश्वर करता है, इसलिए साहस तभी आ पाएंगे जब आप निडर होंगे। पांचवी बात है ज्ञान। किसी भी डर का सबसे महत्वपूर्ण बात है अज्ञान। अगर आप में अज्ञान है तो उसे ज्ञान से धो दीजिएगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ पर अंधेरे का कोई काम नहीं है। और एक और बात दोस्तों, ईश्वर पर यकीन और ईश्वर पर आश्रित, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको हमेशा मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, और जो भी अपनी राय हो इस वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।